सब्सक्राइब कीजिए चंबल प्रवाह यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन के बटन को, पाएं सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज और वीडियो। नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में फायर ब्रांड राजनीतिज्ञ हनुमान बेनीवाल ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ट्विटर बम फोड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा सियासी हमला करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाया है। हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर अशोक गहलोत ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि आपके द्वारा पूरे 5 साल तक विधानसभा में कुछ नहीं बोला गया और अब आप कह रहे हैं कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, तो यह आपकी वसुंधरा राजे के साथ साठगांठ को दर्शाता है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, वर्तमान सरकार की सभी योजनाओं को लागू रखेंगे। इस पर हनुमान बेनीवाल ने रिट्वीट किया है। हनुमान बेनीवाल ने मारवाड़ में भोले भाले लोगों को बरगराने के लिए अशोक गहलोत की तीखी आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि मारवाड़ के लोग अब आपकी बातों में नहीं आएंगे, वह जान चुके हैं कि 5 साल तक रिफाइनरी को किसने रोका। हनुमान बेनीवाल ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि आप में गिरेवान को पकड़ने की हिम्मत नहीं है, आप महलों और गलियारों में गले मिलने वाले हैं। अगर आप में हिम्मत होती और ईमानदारी होती तो आप 5 साल तक आंदोलन करते, चुपचाप बैठे नहीं रहते। चंबल प्रभा के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने मोबाइल पर ही देश दुनिया और प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चंबल प्रभा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबाने पर एक बेल आइकन यानी घंटी की आकृति आपको दिखेगी, जिसे आप दबाएं। इसको दबाने पर हम जैसे ही कोई नई वीडियो डालते हैं तो आपको मिलेगी सबसे पहले। थैंक यू।